मैं हूं माइक पांडे। आज का हमारा खास एपिसोड हाथियों पर है। हिंदुस्तान में 26,000 एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं। अबाउट दुनिया का 60% हाथी हमारे देश में है, पर आज इनका अस्तित्व खतरे में है। आज के एपिसोड में हम एक नज़र डालते हैं एशियन एलिफेंट और उनका भविष्य। अनंत काल से ही हाथी भारतीय इतिहास और सभ्यता का अभिन्न अंग रहे हैं। हाथियों को भारत में पुराने समय से ही राज रजवाड़े, आवागमन के साधन और युद्ध सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। इन्हें भारत में मंदिरों के जुलूसों और त्योहारों के लिए भी रखा जाता था। हाथी हमेशा से शान और शौकत और ताकत का प्रतीक रहे हैं। आज भी किसी त्योहार के दौरान हाथी की मौजूदगी शुभ मानी जाती है। भारत में एशियाई हाथी की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है। यहां 20,000 से भी ज्यादा हाथी हैं। वन्य एशियाई हाथियों की दुनिया की कुल आबादी का 65% हिस्सा भारत में पाया जाता है। ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिंहभूम इलाके, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। हाथी एक अत्यंत अक्लमंद और संवेदनशील प्रजाति है। ये न सिर्फ औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इनमें करुणा और दुख जैसे कई मनोभाव भी होते हैं। हाथी शांतिप्रिय और सहिष्णु जीव है। ये जंगल में सबसे ताकतवर पर भक्षियों के साथ में रहते हैं, लेकिन उनके साथ कभी उलझते नहीं हैं। हाथी बेहद सौम्य जीव होते हैं और आमतौर पर हमला नहीं करते। दुनिया में हाथियों की दो बड़ी और प्रमुख आबादियां पाई जाती हैं। एशियाई हाथी जो भारत और अन्य एशियाई देशों में मिलते हैं, और अफ्रीकी हाथी। इन दोनों को दूर का सहवंशी माना जाता है, पर इन दोनों में कुछ खास शारीरिक अंतर मौजूद हैं, जो भौगोलिक जरूरतों के अनुसार सदी दर सदी विकसित होते आए हैं। अफ्रीकी हाथी आकार में ज्यादा बड़े होते हैं और उनके कान भी कहीं ज्यादा विशाल होते हैं। इनका आकार अफ्रीका के नक्शे जैसा होता है। ये इनकी गर्दन तक फैले होते हैं और इनके जरिए हाथी को अफ्रीका की तेज गर्मी से निजात पाने में मदद मिलती है। इन हाथियों को पानी की खोज में अफ्रीका के घास के मैदानों यानी सवाना में अक्सर घूमते देखा जा सकता है। अपने एशियाई सहवंशियों के विपरीत, जिनमें केवल नरों में ही गजदंत होते हैं, अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों में ही गजदंत होते हैं। ये खोदकर आहार और पानी हासिल करने के लिए एक जरूरी औजार है। शरीर में अंतर के बावजूद हाथियों की दोनों प्रजातियां झुंड में रहती हैं। इनकी अपनी निर्धारित सामाजिक संरचना होती है, जिसका नेतृत्व झुंड की सबसे बड़ी मादा या कुल माता करती है। हाथी सबसे विशाल जमीनी स्तनधारी जीव है। ये हर दिन करीब 250 किलो चारा और 500 लीटर पानी हजम कर जाते हैं। भारतीय हाथी ज्यादातर जंगलों में रहते हैं। घने वन उन्हें पर्याप्त मात्रा में आहार और पानी मुहैया कराते हैं। हाथी मौसमी आधार पर प्रवास भी करते रहते हैं। ये उन इलाकों में जाते रहते हैं जहां आहार और पानी की उपलब्धता के लिए पर्याप्त बारिश होती है। लेकिन नई जमीन हासिल करने की इंसान की भूख इतनी ज्यादा है कि जंगलों को बड़ी बेरहमी से साफ किया जा रहा है। जंगलों को आग लगाई जा रही है और धधकती हुई ये आग हजारों एकड़ में फैले कुदरती जंगलों को तबाह करके
भारतीय जंगली हाथी के आशियाने को बर्बाद कर देती है। अब ये अपने पुराने प्रवास मार्गों के जरिए प्रवास भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रास्ते बढ़ती शहरी बस्तियों, गांवों, खेतों, रेलवे लाइनों और सड़कों के कारण खत्म होते जा रहे हैं। मानव निर्मित बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं और बागान वगैरह इस जानवर की सीधी सरल जिंदगी में बाधा पैदा करते हैं। आज विशाल और पुराने जंगलों को काटा जा रहा है, टीक की प्लांटेशन और केले की फसल के लिए जमीन ली जा रही है। इसके कारण हाथियों के प्राकृतिक पर्यावास बर्बाद होते जा रहे हैं। हाथियों के मौजूदा पर्यावासों के नजदीक इंसानी आबादी 3% वार्षिक की दर से बढ़ती जा रही है, जिससे वनों के संसाधनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जंगलों के नजदीक बांध बनने से जमीन का काफी बड़ा हिस्सा डूब गया है और टापू बन गए हैं। हाथी यहां से बाहर नहीं निकल पाते, परिणाम स्वरूप वो इन्हीं द्वीपों पर फंस जाते हैं। इस प्रकार के अतिक्रमण से हाथी का लाखों साल से चला आ रहा जीवन चक्र तहस नहस हो गया है। ये आहार की तलाश में अपने पर्यावास से बाहर आने को मजबूर हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की भारी तादाद है, इसलिए इंसान और हाथी के बीच मुठभेड़ होने का जोखिम हमेशा बना रहता है। कुछ साल पहले करीब 135 हाथी आहार की तलाश में छत्तीसगढ़ के गांवों और कस्बों में दाखिल हो गए। इस चक्कर में न सिर्फ 100 से भी ज्यादा गांव वाले मारे गए, बल्कि 435 गांव पूरी तरह बर्बाद भी हो गए। यही कहानी भारत के और भी कई गांवों की है। प्रॉब्लम इसमें एक तो कहूंगा हैबिटेट और नंबर की वजह से है। जैसे मैंने कहा कि एलिफेंट एक बड़ा वर्सेटाइल एनिमल है, ये इसकी अडाप्टिव कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये रह लेता है कई कैसी भी कंडीशंस में। लेकिन जब इसका हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंट हो गया है, श्रिंक हो गया है, और इसका नंबर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सम कंजर्वेशन एफर्ट्स, कहें बेसिकली कुछ पॉलिसी और लीगल जो ऐसे एफर्ट्स हुए हैं जिनकी वजह से, जैसे ट्रेड बंद कर दिया गया, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इस पर। तो नंबर्स कहीं कहीं बढ़ जा रहा है और फिर कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय कन्फ्लिक्ट का है। तो कन्फ्लिक्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ आ रहा है, कन्फ्लिक्ट जो है वो लोगों की लाइवलीहुड के साथ आ रहा है। उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ी, एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज है। हाथियों के हमले में बहुत से लोग अपनी जान और माल गंवा चुके हैं। हाथी वनों में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ संघर्ष करते हैं और इस प्रक्रिया में आहार ढूंढते हुए किसानों के खेतों पर हमला कर देते हैं। हमारे घर में जो चूल्हा था उसको हमने बंद कर दिया और अब होटल में जाके खाना खाएंगे तो हाथियों के साथ वही चीज़ हो गई कि उनका चूल्हा हमने बंद करवा दिया और वो जो है खाना खाने के लिए या अपने बच्चों को पालने के लिए वो कहाँ जाए। तो जाता है तो इसी तरह से बगल के गाँव में चला जाता है। तो जंगल से बाहर निकलता है गाँव में चलता है, गाँव से बाहर निकलता है जंगल में चलता है, और इस बीच में उसका जो है मनुष्यों के साथ सामना होता ही है। अब हाथी को नहीं पता कि वो कितनी ताकतवर चीज़ है, और वो उसके लिए तो एक सूंड से हल्का सा झटका भी लग जाए तो आदमी मर जाता है। हम सोचते हैं कि वो खूनी हाथी हैं। हाथियों को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है, इन्हें या तो करंट लगाकर या फिर जहर देकर मारा जाता है। पर विडंबना इस बात की है कि जिस विशालकाय जीव को हम पूछते हैं हाथी, वो हमारी सड़कों पर एक दर्दनाक मौत भी मरता है। क्यों? तो आइए देखते हैं हाथियों की स्थिति और क्या विकल्प हम ला सकते हैं, क्या बदलाव हम ला सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में हर साल इंसानों और हाथियों के बीच होने वाली मुठभेड़ों में 300 तक इंसान और हाथी मर जाते हैं। आज भारत में 1000 से भी ज्यादा हाथी अपनी जगह से दर बदर हो गए हैं
जो खाने और पानी के लिए जंगल से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाते हैं। हाथी आलू खाता है, धान खाता है, घर बार तोड़ता है, कभी कभी गायों को मारता है। अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर बंगाल में हर साल हाथियों द्वारा 4000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि और करीब 1100 घर तबाह कर दिए जाते हैं। हाथी जंगल से बाहर आकर हमारे आलू और चावल के खेत चौपट कर रहे हैं। कभी कभी वो गांव में भी आ जाते हैं और केले के पेड़ और घरों में रखे चावल को नष्ट कर देते हैं। हमारे पड़ोसी गांव में भी हाथियों ने 2 लोगों को मार डाला था। पास के जंगल में भी कुछ लोगों को मार दिया था। सरकार ने अपनी जगह से दरबदर हो गए इन हाथियों को पकड़ा भी है, पर इसमें कई हाथियों की मौत हो जाती है। असम, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को सबसे ज्यादा समस्या वाले इलाके माना जाता है। कुछ जगहों पर तो हाथियों का उत्पात इतना ज्यादा होता रहता है कि लोगों ने अपनी फसलों के विन्यास में तब्दीली कर दी है। झारखंड में किसानों ने अब वो फसलें उगानी शुरू कर दी हैं जिन्हें हाथी नहीं खाते, ताकि वो अपने खेतों को हाथियों के हमलों और लोगों की जान लेने से बचा सकें। 1993 में मध्य प्रदेश और सरगुजा जिले में इंसानों और हाथियों के बीच पहली बड़ी झड़प हुई थी। केमिकल का इस्तेमाल करके 18 ऐसे हाथियों को पकड़ा गया जो समस्या बने हुए थे। बाद में इन हाथियों को प्रशिक्षण दिया गया और इन्हें वन सेवा में शामिल कर लिया गया। आज भारत में करीब 4000 हाथी पालतू हैं, जिनका इस्तेमाल कई तरह की कारोबारी गतिविधियों में किया जा रहा है, जैसे कि आवागमन और सैलानियों के लिए। ऐसे कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए गए ताकि हाथी उस त्रासद अनुभव से बाहर आ सकें जो उन्हें अपनी ट्रेनिंग के दौरान झेलना पड़ता है। छत्तीसगढ़, यहाँ के वनों में हाथियों की बड़ी तादाद को आश्रय मिला हुआ है, लेकिन वनों की अंधाधुंध कटाई से आज फिर से करीब 150 हाथियों को इस इलाके में देखा गया है। इससे इंसानों और हाथियों के बीच एक और झड़प की आशंका पैदा हो जाती है। ये चक्र तो कभी खत्म नहीं होने वाला। मुठभेड़ के इस सिलसिले से बचने का एकमात्र रास्ता ये है कि हाथियों के लिए पुरसुकून पर्यावास फिर से बहाल किया जाए। हाथी एक अलग देन है हमारी सृष्टि की, उसको जो हमने बचा कर रखना है, साथ ही साथ जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनको भी बचा के रखना है। लोगों को लेकर और काम करने वालों को लेकर, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, नॉलेजेबल लोगों को लेकर जिसमें एनजीओ भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, मिलकर प्लान के हिसाब से हमें चलाना पड़ेगा, तब जाकर हम कुछ कर पाएंगे। और हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ह्यूमन एटीट्यूड्स को दोबारा से वापस फेवर में ले आना हाथी के। बदकिस्मती से हाथियों को बफर में बसाने की सभी कोशिशें कामयाब नहीं रही हैं, क्योंकि जिन ज्यादातर नेशनल पार्कों और रिजर्व्स में हाथी बसते हैं वो हाथियों की वहनीय आबादी को रखने के लिहाज से बहुत छोटे हैं। इसलिए हाथियों को बचाने की लगातार चलने वाली कोशिश को सफल बनाने के लिए जरूरत है ऐसे जंगलों की जो इंसानी आबादियों से मुक्त हो। लेकिन आज इंसानी अतिक्रमण ही एकमात्र समस्या नहीं है, समस्या गैर कानूनी शिकार की भी है। हर साल हाथी दांत के लिए सैकड़ों हाथियों को मार डाला जाता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ये खबरें मिली हैं कि हाथी दांत को आसानी से निकालने के लिए गैर कानूनी शिकारी उन फलों में डायनामाइट रख देते हैं जिन्हें ये हाथी खाते हैं। इस तरह के फल को खाते समय उनका मुंह उड़ जाता है। खा नहीं पाने के कारण हाथी बेहद तकलीफ देह मौत मरता है। भारत में सिर्फ नर हाथियों के ही दांत होते हैं। अफ्रीकी हाथियों के विपरीत एशियाई मादा हाथियों में दांत नहीं होते। दांत वाले नर हाथियों के मारे जाने से भारत में नर मादाओं का अनुपात काफी घट गया है। अंदाजे के मुताबिक भारत में प्रजनन करने योग्य उम्र वाले सिर्फ करीब 1200 हाथी ही बचे हैं।
भारत में गैर कानूनी शिकारियों ने दक्षिण भारतीय हिस्से में 1000 से भी ज्यादा नर हाथी मार डाले, जिससे नर मादा का अनुपात 1:250 का हो गया है। इससे झुंडों के बीच अंतः प्रजनन होने लगा है और जीन पूल कमजोर हो गया है। ये बात समझने की जरूरत है कि जंगल हाथियों के कुदरती घर हैं और हाथी हमारे जंगलों के संरक्षक हैं। हाथी वनों में जान डालते रहते हैं, उनके मल में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे वनों की पर्यावरण प्रणाली की बढ़वार के लिए जरूरी हैं। हाथियों द्वारा खाए गए बीज 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक उनके मल के जरिए पहुंचते हैं, जिससे एक स्वस्थ और विविध वन पर्यावरण प्रणाली कायम रह पाती है। जंगल हम इंसानों के लिए भी जरूरी हैं। वो हमें जीवनदायी ऑक्सीजन और पानी देते हैं। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी नदियां जंगलों से ही निकलती हैं। जंगल कार्बन को सोखने में और हमारे पर्यावरण को स्थिर रखने के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात की जरूरत है कि जैव विविधता को बहाल किया जाए ताकि हमारे जंगल सही सलामत रहें। हाथी को ऐसे वन गलियारे चाहिए जिनमें अशांति ना हो और जो इंसानी आबादियों से भी दूर हो। हाथी पुराने वन गलियारों का हजारों साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जंगल की इन बिना बाधा वाली पगडंडियों पर हाथियों के लिए पर्याप्त चारा और पानी उपलब्ध रहता है। हाथी वनों से तभी बाहर आते हैं जब वो आहार और पानी के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर हम जंगलों के साथ छेड़खानी न करें तो हाथी अपने सुरक्षित घरों में रहेंगे जो इंसानी बस्तियों से दूर होते हैं। हमने जो इस समय उनकी तरफ देखा नहीं, लेकिन अपनी डेवलपमेंट करने के लिए हमने सोच लिया कि हमारे सिवाय और कोई भी इसमें धरती पे नहीं रहना चाहिए, ये एक नया एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड तो हमारे बदलने के लिए हम थोड़ा देरी करते जा रहे हैं, इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ऐसे कार्यक्रमों को बनाने की कोशिश में जुटी है जो हाथियों की घटती संख्या को बहाल कर सके और हमारी वन पर्यावरण प्रणालियों में दोबारा से जान डाल सके। इस तरह की कामयाब परियोजनाओं को पूरे देश में चलाया जा सकता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें कि ट्रेडिशनली एलिफेंट्स मूव करते हैं, जिनको कॉरिडोर्स कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है ऐसे एरियाज को। और उसमें कोशिश ये की गई थी कि ऐसे एरियाज में कम से कम जो उनका लैंड यूज़ है वो इस ढंग से रहे कि उसमें एलिफेंट्स के मूवमेंट की वजह से लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो और लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से एलिफेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। अगर हम ऊर्जा बचाएं, कागज़ को रिसाइकल करें, कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाएं और पेड़ पौधों और जानवरों को बचाएं, तो हम पृथ्वी को फिर से हरा भरा बनाने में मदद कर सकते हैं। इस तरह प्रकृति के जीवन चक्र का लड़खड़ाता और घटता संतुलन बहाल हो सकता है। आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने अपने सुझाव और विचार हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमें आपके पत्रों का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे को लेकर और एक नई दिशा में एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।